हेलो दोस्तों, मैं वेदर अली। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फेवर पर। दोस्तों, आज मैं प्रॉफिट लॉस के कुछ सवाल बताऊंगा, जिसमें एक निश्चित दर पर सामान बेचा जाता है। दो वस्तुएं एक साथ में बेची जाती हैं और उनका निश्चित लाभ होता है, जितनी हानि होती है उतना ही लाभ होता है। ऐसे ही सवाल आज इस वीडियो में बताया जाएगा, आपको लगा के दिखाया जाएगा। जो तो सवाल है, एक व्यक्ति ने दो घोड़े में से प्रत्येक को ₹32,500 में बेचा। एक पर उसे 15% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर उसे 15% की हानि हुई। कुल सौदे पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? तो कॉमन का सवाल है, समान मूल्य का। तो ऐसे सवालों में हम उभयनिष्ठ का सूत्र लगा देते हैं, और अगर इसको लॉन्ग मेथड से लगाया जाए तो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन इसको शॉर्ट मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं। इसका बहुत सिंपल सा सूत्र है। इस तरह के सौदे में इस तरह के विक्रय मूल्य और लाभ हानि वाले सवाल में हमेशा सिर्फ हानि होती है, तो हम हानि प्रतिशत देंगे। हानि प्रतिशत हानि बराबर उभयनिष्ठ लाभ तथा हानि। तथा हानि बटे 10 का होल स्क्वायर। निःशुल्क देंगे क्योंकि 15% का लाभ हुआ है और 15% का लाभ हुआ है, 15% हानि हुई है, तो हम निःशुल्क लिख देंगे। 15/10 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 का वर्ग 225 बटे 10 का वर्ग 100। यह हो जाएगा 2.25% की हानि हुई है। ये आंसर है दोस्तों। सवाल को बेहतर तरीके समझने के लिए मैं दूसरा सवाल लाया हूँ। दूसरा सवाल है, एक व्यक्ति ने दो मकान ₹7,980 की दर से बेच दिया। उसे एक पर 12% का लाभ हुआ और दूसरे पर 12% की हानि हुई। अंत में उसे लाभ अथवा हानि कितने प्रतिशत की हुई? दोस्तों, इस सवाल को हल करने का ये शॉर्ट ट्रिक मेथड है, बहुत छोटा सा है। आप कोई भी पर्सन ले लीजिए और उसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसको आपको दिखा देते हैं। तो ऐसे सौदे में हमेशा सिर्फ हानि होती है, वो सिर्फ परसेंट के ऊपर होता है कि कितने प्रतिशत का लाभ और हानि हुई। हम इसको लगा के दिखाएंगे आपको। तो प्रतिशत हानि बराबर सूत्र वही है, उभयनिष्ठ लाभ तथा हानि बटे 10। फिर से हम लिख देते हैं, उभयनिष्ठ लाभ तथा हानि बटे 10 का वर्ग। बहुत सिंपल सा है, 12/10 का वर्ग, यानी 144/100। तो दशमलव रूल कहता है, हम इसको दो अंक खिसका देंगे, 1.44% की हानि। दोस्तों, इसी श्रेणी में मैं तीसरा सवाल लाया हूँ, और तीसरा सवाल इस तरह का है। नितिन ने दो बाइक को बेचा जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹35,000 है। इससे उसको एक पर 22% का लाभ तथा दूसरे पर 22% की हानि। इससे उसको लाभ अथवा हानि हुई होगी? हानि होगी। हम इस पे बहुत हर बार की तरह नहीं लगाएंगे, तो और आसान कर देंगे। हमें देखना है
बाईस बटे 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। 22 का वर्ग होता है 484, 484 बटे 100, ठीक है। हम इसको अंक में बदल देंगे, दशमलव में 4.84% की हानि होगी, 1% हानि बराबर। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी को पूरी कर सकें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।